वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मुंबई में 15,000 आवारा कुत्तों का किया जाएगा टीकाकरण। महानगर को रेबीज मुक्त बनाने के लिए 10 दिवसीय अभियान के दौरान मुंबई में कुल 15,000 आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा। बीएमसी के एक विज्ञप्ति में ये कहा गया कि 29 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच शहर के उत्तरी हिस्से में 15,000 कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा। इसमें यह कहा गया कि इस अभियान में लगभग 100 स्वयंसेवकों और 15 गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाएगा। यह अभियान मोबाइल ऐप पर आधारित होगा। राज्य में पहली बार ऐप आधारित रैबिज टीकाकरण किया जाएगा। टीका लगाए गए कुत्ते की तस्वीर, टीकाकरण का स्थान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ऐप में एकीकृत की जाएगी। टीकाकरण के बाद कुत्तों को एक QR कोड भी मिलेगा। विज्ञप्ति में ये भी कहा गया है कि QR कोड को स्कैन करने से कुत्ते के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिसमें फीडर विवरण, टीकाकरण और चिकित्सा जानकारी शामिल होगी। बीएमसी के अनुसार मुंबई में आवारा कुत्तों की आबादी 1.64 लाख तक पहुंचने की संभावना है। 2014 में संख्या 95,000 थी। अब बीएमसी ने ये बड़ा फैसला किया है, 15,000 आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा।